हमारे देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और बीचोंबीच बनी विशालकाय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी अन्य खास बातें। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का भी नाम दिया गया है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण है। यह अपने समय की विश्व की विशालतम संरचनाओं में से एक गिना जाता था। 13 मंजिला बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। करीब 216 फीट की ऊंचाई वाले इस मंदिर को 130,000 टन ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि तंजौर में आसपास 60 किलोमीटर तक न कोई पहाड़ और न ही पत्थरों की कोई चट्टाने हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह भारी भरकम पत्थर यहाँ आए कहाँ से और कैसे लाए गए। कहते हैं यहाँ 3,000 हाथियों की मदद से इन पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को जोड़ने में कोई सीमेंट, प्लास्टर, सरिया या फिर अन्य किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को पजल तकनीक से आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। मंदिर का मजबूत आधार इस प्रकार से तैयार किया गया है कि 1000 साल बाद भी इतना ऊंचा मंदिर आज भी एकदम सीधा खड़ा है। मंदिर का गुंबद अपने आप में एक आश्चर्य है। यह एक विशालकाय पत्थर से बना है जिसका वजन 80 टन से भी अधिक है। उस जमाने में जब कोई क्रेन या लिफ्ट वगैरह नहीं थी, इतने विशाल पत्थर को कैसे स्थापित किया गया होगा। मंदिर में विशालकाय शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है, इस कारण इसे बृहदेश्वर नाम दिया गया है। पत्थरों से बना यह अद्भुत और विशालकाय मंदिर है और वास्तुकला का उत्तम प्रतीक है। इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती है। दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन गुंबद की नहीं। मंदिर की खास बात एक यह भी है कि यहाँ भगवान शिव की सवारी कहलाने वाले नंदी बैल की भी विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। इसे भी एक ही पत्थर में से काट कर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 13 फीट है। इस मंदिर को ध्यान से देखने पर लगेगा कि शिखर पर सिंदूरी रंग पोता गया है या रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग ही ऐसा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग से रंगीन है। इस मंदिर के शिलालेखों को देखना भी अद्भुत है। शिलालेखों में अंकित संस्कृत व तमिल लेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इनमें से प्रत्येक गहने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, हीरे और माणिक की 11 किस्में बताई गई है।